रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार और चेचेनिया के नेता रमजान कादिरोव वर्तमान में चेचन गणराज्य के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। रूस ने उन्हें रूसी सेना में कर्नल जनरल का पद दिया है। कादिरोव यूक्रेन पर रूस के हमले का लगातार समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन को यहाँ तक धमकी दे डाली कि वो आत्मसमर्पण कर दे, वरना दुनिया के नक्शे से ही उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। कादिरोव के बारे में हम आपको बता रहे हैं, बावजूद इसके आज की खबर कादिरोव से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं है, बल्कि उनके बेटे से जुड़ी है। कादिरोव के तीन बेटे हैं, अहमद, अली और एडम। इस खबर का कनेक्शन है तीसरे बेटे यानी एडम कादिरोव से। रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें खाकी वर्दी पहने एक युवक काले कपड़े पहने एक डरे हुए शख्स पर लात घूसों और थप्पड़ों की बरसात करता नजर आ रहा है। काले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति अपना चेहरा ढक लेता है और पीछे हट जाता है। तभी किशोर उसे कुर्सी से खींचता है और उसके सिर पर प्रहार करता है। इस उम्र में ही इस तरह की क्रूरता करने वाला ये कोई और नहीं बल्कि कादिरोव का बेटा एडम कादिरोव है। रमजान कादिरोव ने अपने 15 वर्षीय बेटे द्वारा एक कैदी की पिटाई का ये वीडियो खुद जारी करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। कादिरोव ने लिखा, यह हमलावर उनका 15 वर्षीय बेटा एडम कादिरोव है। उसने उसे पीटा और उसने सही काम किया। बिना किसी अतिशयोक्ति के मैं कहूंगा कि मुझे एडम की इस कार्रवाई पर गर्व है। इस वीडियो में जो व्यक्ति पिट रहा है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक ये 19 साल का एक कैदी है जिसका नाम निकिता जुराबल है। इसे एक मस्जिद के बाहर कुरान की एक प्रति में आग लगाने के आरोप में मई में गिरफ्तार किया गया था। जुराबल पर मुकदमा चलाने के लिए इसे चेचेनिया भेजा गया था। जुराबल ने कबूल किया कि उसे पवित्र ग्रंथ जलाने के लिए यूक्रेन ने पैसे दिए थे, लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उसका कबूलनामा प्रामाणिक था। चेचेनिया, जिसकी आबादी लगभग 15 लाख है, रूस का एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कुरान का अपमान करना या जलाना यहाँ अपराध माना जाता है। ऐसे में जुराबल को यहाँ से किसी राहत की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन इस घटना ने एडम को चर्चा में ला दिया है। कादिरोव पिछले साल भी अपने तीनों बेटों को लेकर चर्चा में थे जब उन्होंने कहा था कि मेरे तीनों नाबालिग बेटे उम्र की परवाह किए बिना यूक्रेन से युद्ध के लिए तैयार है। कादिरोव पर तो मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब वो अपने तीनों बेटों के लिए एक ताकतवर छवि बनाने की जुगत में दिख रहे हैं।